बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक, कृतिका और पायल इस वक्त हर तरफ सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां फिल्मी दुनिया से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कदम के लिए अरमान की आलोचना की है, वहीं कुछ दिन पहले उर्फी यूट्यूबर के समर्थन में सामने आई थी और कहा था कि अरमान और उनका परिवार उन सब अच्छे लोगों में से एक है। लेकिन अब इसी बीच राखी सावंत भी इस मुद्दे पर बोली है। दरअसल लंबे वक्त से राखी सावंत लाइमलाइट से दूर है। राखी सावंत हो जहां ड्रामा ना हो वहां ऐसा भला कैसे हो सकता है। वो हर जगह अपने ड्रामे की वजह से छाई रहती है। बात चाहे पर्दे के ड्रामे की हो या फिर पेप्स के कैमरे के सामने की या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की, ड्रामा क्वीन राखी को खुद को लाइमलाइट रखने का एक मौका हाथ से नहीं जाने देती। ऐसे में राखी ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। दरअसल राखी सावंत इन दिनों बेड रेस्ट पर हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय से लाइमलाइट से दूर बनी हुई हैं। हालांकि अब हाल ही में राखी ने इंस्टा पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। दरअसल राखी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो पायल मलिक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में राखी कहती है कि मैंने पायल का एक वीडियो देखा जिसमें वो ये बता रही है कि जब वो बीमार थी तब अरमान और कृतिका इतने प्यार में पागल थे कि वो उसका ख्याल नहीं रखते थे, तो हम सबको मिलकर पायल को न्याय दिलाना है, उसे जिताना है। बता दें कि अरमान मलिक ने पहली पत्नी पायल मलिक से साल 2011 में शादी की थी। वही पायल से शादी के 6 साल बाद साल 2018 में अरमान ने पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी कर ली, वो भी अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से तोड़े बिना। दिसंबर साल 2022 को अरमान मलिक ने अपनी दोनों बीवियों पायल और कृतिका की प्रेगनेंसी का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। आपको बता दें कि अरमान अब 4 बच्चों के पिता हैं। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से नीतू शर्मा की रिपोर्ट।